बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है जब भी कोई मान सम्मान प्रशस्ति पत्र हाथों में आता है। बहुत सारी हम मेहनत करते हैं और उसके बाद जब कोई रिकॉग्नाइज करता है उस मेहनत को, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक ऐसे प्रदेश को जहाँ हिंदी भाषी लोग कम हैं, जहाँ उर्दू और हिंदी जबान का इतना रिवाज नहीं है, वहाँ अगर हिंदी को अप्रिशिएट किया जा रहा है तो बहुत खुशी की बात है। मैं एक बात हमेशा से कहता आया हूँ कि मैंने असम के बहुत सारे कवियों को अनुवाद करके हिंदी में पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह चिंतन की गहराई और अभिव्यक्ति असम की मिट्टी में है वो हर स्टेट को नसीब नहीं है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि वैसे प्रदेश से ये सम्मानित किया जा रहा है। बहुत कम लोगों को मिलता है इस तरह का अवार्ड, और जब इस तरह का अवार्ड मिलता है तो कितना हौसला मिलता है, कितना प्राउड। बिल्कुल, इनाम की सबसे बड़ी खास बात ये है कि वो आपकी मकबूलियत, आपकी पॉपुलैरिटी पे स्टैंप लगाता है। काम तो आप कर ही रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई भी अवार्ड, कोई भी बड़ा इनाम मिलता है तो एक बात समझ में आती है कि जो आपने कोशिश की इतने दिनों तक, जिस रास्ते पे आप चले वो रास्ता सही था। कोई ऐसा अवार्ड जो आपकी दिल की तमन्ना हो हासिल? मुझे लगता है अवार्ड हासिल करने की तमन्ना कभी किसी को नहीं होती है। अवार्ड जब आते हैं तो सरप्राइज आते हैं और अच्छा लगता है, और मैं बहुत लकी रहा हूँ इस मायने में। फिल्म इंडस्ट्री का लगभग हर छोटा बड़ा अवार्ड मुझे मिल चुका है, और एक बार नहीं, कई कई बार मिल चुका है। तो कोई अवार्ड पाने की ख्वाहिश नहीं है, पर जब भी जो भी मिलेगा उसको मैं बड़े सलीके से एक्सेप्ट करूँगा और उसकी इज्जत करूँगा। असम के लोगों को, वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ दो लाइन? असम के लोगों के लिए इतना कहना चाहूँगा कि गॉड्स ओन कंट्री है, देवता वास करते हैं वहाँ। एक ऐसी ज़मीन है जिसका कल्चर, जिसकी संस्कृति पूरी दुनिया में उसकी एक झलक देख के लोग पागल हो जाते हैं। असम ने हमें क्या क्या सिंगर्स दिए हैं, क्या क्या म्यूज़िक कंपोजर्स दिए हैं, और भूपेन हज़ारिका से बड़ा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता हमारे सामने। तो मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि असम अपने संगीत को ज़िंदा रखे और अपनी मिट्टी में जो एक शाश्वतपन है, जो उसका एक एक उस मिट्टी की जो ताकत है वो बरकरार रखे। असम की सरकार को यही कहना चाहूँगा कि कलाकारों को सपोर्ट करें। दुनिया में सब कुछ आप पैसे देके खरीद सकते हैं, कला एक चीज़ है जो ईश्वर की तरफ से वरदान होता है आपको, और असम को ये वरदान भर भर के दिया है कुदरत ने। तो उन कलाकारों को, और छोटा बड़ा जितने भी जिस भी तरह के कलाकार उस प्रदेश में हैं, आई रियली एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट उन सबको प्रोत्साहित करे, उन सबका ख्याल रखे। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले हम आपका नाम, नमस्कार, मेरा नाम परिणीता वॉर ठाकुर है। ये असम बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो ये किस लिए मिला है और इसका कितना महत्व है आपकी नज़र में? ये तो उनका बढ़प्पन है कि उन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया है। पता नहीं मैं कितना कर पाई हूँ। कोशिश तो हमेशा रहा है कि जो भी करूँ अच्छी तरह से करूँ, चाहे वो संगीत हो या अभिनय हो। और इस सर्टिफिकेट का जो मोल है, ये मेरे लिए तो अनमोल है, क्योंकि मतलब सच में ये मेरे लिए एक क्या कहूँ मैं, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, और मैं उनकी कृतज्ञता जताती हूँ कि उन्होंने मुझे ये काबिल समझा कि मुझे ये सर्टिफिकेट दे। असम गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ा अवार्ड है अगर देखा जाए तो, ये सर्टिफिकेट है ये हर किसी को नहीं मिलता है जी। तो कभी कल्पना की थी आपने कि आपको इस तरह का अवार्ड नहीं? एक्चुअली मैं जब भी काम करती हूँ, मैं बस काम करती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ कि उसके बदले मुझे कुछ मिलने वाला है या नहीं। तो कितना हौसला मिला है इसको मिलने? हौसला तो बहुत 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 मिला है, और उम्मीद करती हूँ कि मैं अपना काम करती जाऊँ और लोगों को मुझ पर गर्व हो थोड़ा सा, एटलीस्ट असम वालों को, कि मैं कुछ कर रही हूँ। कोशिश जारी रहेगी हमेशा मेरी, जैसे हमेशा जारी रही है। फैमिली का कितना स्नेह मिला आपको, कितना प्यार मिला? फैमिली मेरी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी फैमिली, मतलब आप मेरे पेरेंट्स की बात करें या मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड और मेरी सास भी मेरे साथ रहती है, सब लोगों ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और उसी वजह से मैं अभी तक काम करती आ रही हूँ। प्रोजेक्ट की बात करें अगर अभी आपके, तो क्या क्या चल रहा है असम में, बॉलीवुड में भी अभी आप? मैं टेलीविज़न तो कर ही रही थी, मैं सीरियल्स तो कर ही रही हूँ इतने सालों से, और करती रहूँगी, और एसएमईज फिल्में भी काफ़ी सारी की है मैंने, तो वही अभी देखते हैं। असम वालों के लिए एक मैसेज, कुछ कहना चाहेंगी हौसले के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपना काम जो है उसे 100% दे के ईमानदारी से करना चाहिए,
बाकी तो जो होना है वो होगा ही, पर हमें अपना काम जो है वो पूरी मेहनत से करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या कहेंगे जब अवार्ड मिलता है और आज आपको आसम बुक अवार्ड मिला है, तो उसके बारे में? एक्चुअली मैं सबसे पहले आसम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो अवार्ड दिया गया है, जो अप्रिसिएशन दिया गया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिकॉज लोगों को जब कोई भी काम के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो एक उत्साह मिलता है, एक काम करने का और एक मंजर नज़र आता है कि खुद को और बेटर करना है, और अच्छा काम करना है। बिकॉज हम लोग आर्टिस्ट हैं और मैं एज ए सिंगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो काम, मेरा कंपोजिशन हो, मेरा गाना हो, जो भी लोगों को पसंद आए, और इसी तरह हम जैसे लोगों को अवार्ड मिलता रहे, इंस्पिरेशन मिलता रहे, अप्रिसिएशन मिलता रहे, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। आसम के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं आसाम से हूँ और सिलचर एक छोटा सा शहर है आसाम में, वहाँ से बॉम्बे तक का जर्नी मेरा बहुत स्ट्रगल रहा बीच में, और मैं सारेगामापा जब जीता तो आसाम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेडली जो सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद दिए थे, वोट दिए थे, वो मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। और इसके लिए मैं सबको फिर से एक बार आपके ज़रिए से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आसाम के पब्लिक को, नॉर्थ ईस्ट के पब्लिक को। बिकॉज आज मैं जो कुछ भी हूँ, काम बहुत करते हैं लोग, बट सबको ये जो प्यार मिला है ये नहीं मिलता जो आसाम वालों ने दिया है, और मैं बहुत फख्र से बोल सकता हूँ कि मैं आसाम से हूँ, नॉर्थ ईस्ट से हूँ, एंड आई एम इंडियन ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू। कैसा फील हो रहा है आसाम बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आपको भेजा गया है यहाँ पे अवार्ड देने के लिए, आपको तो किस तरह से फील हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे? Well, I'm feeling very much happy and proud to represent my state Assam, and it really it's a very nice journey for me, wonderful journey for me, to meet such a wonderful people, famous people, and you're so much down to earth, and I'm really happy for that. Thank you. वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपको चुना गया तो उस टाइम पे एकदम से शॉक हुई हाँ? Exactly, I'm very very much surprised and shocked and happy also. कुछ कहना चाहेंगे और बाकी गवर्नमेंट के लिए कुछ? Well, people of Assam are very much kind and they are down to earth. They try to live in harmony and it's a multicultural state and our culture is very much rich.